सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं साहिबा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जो अचानक थी हम लोगों के ऊपर उस्तादों की उस्ताद आना शुरू हुई, कभी कोरोना, कभी टिड्डी दल, कभी जो था वो कोई बजट के नाम के ऊपर, कभी कोई जो मेरे ख्याल में के जो के इलेक्ट्रिक के बिल आई हैं वो अलग से आई हैं, जो बिजली जा रही थी वो अलग से जा रही थी, और इसी असरा में एक और बम फटा और वो था पेट्रोल का बम। और पेट्रोल का बम जो था ना वो ऐसे फटा कि कुछ अरसे पहले की अभी हमारी जहनों में वो खूबसूरत यादें ताज़ा हैं कि जब हमें पता चला कि पेट्रोल की कीमत बहुत सस्ती हो रही है और तारीफ की कम तरीन जो है वो शराब में जो है वो पेट्रोल की जो है वो उसकी कीमत हो गई। जब सुना लोगों ने तो उन्होंने कहा, पता नहीं बहुत से लोगों ने कहा कि दिल में सोचा, उन्होंने प्लान बना लिए होंगे कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, अपनी गाड़ी में जाएंगे, अब तो पेट्रोल आपके घर की बाती है। तो उसमें फिर ये हुआ था कि पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद इन्हीं दिनों में जब ये तमाम क्राइसिस चल रहे थे तो एक और बम फटा, मैंने जैसे कि आपको बताया पेट्रोल बम, और एक ही झटके में 25 रुपए का इजाफा हो गया, एक साथ 25 रुपए का इजाफा। लोग जो थे वो एकदम तिलमिला गए और एकदम लोगों के जो थे वो रिएक्शन आना शुरू हो गए और ऐसी ऐसी बातें आना शुरू हो गई कि अच्छा वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने पेट्रोल माफिया के सामने जो है वो घुटने टेक दिए, कहाँ गई वो तब्दीली जिसके बारे में कहा जाता था कि खान झुक सक किसी भी किस्म की टेंशन ले सकता है, हालात का मुकाबला कर सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि पेट्रोल जो है पेट्रोलियम माफिया जो है यानी कि पेट्रोल माफिया ने मजबूर कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान को घुटने टेकने पर और इनकी मनमानी करने पर। अब ज़रा आवाम के पास हम आए हैं कि भाई ज़रा उनसे दूबदू बात कर लें कि यार ये 25 रुपए का जो इजाफा हुआ है ये कबूल है आपको या नहीं है, इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ज़रा ये मालूम करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 25 रुपए का अचानक इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में, तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब आपके बजट में आ रहा है ये, आपको मुनासिब लग रहा है ये 25 रुपए का इजाफा, ये आपको लगता है कि वो इतना इजाफा हो गया कि आप मुश्किल होगा आना? नहीं, मुश्किल कोई नहीं, किसी दौर में मुश्किल नहीं रहा, आदमी मेहनत करने वाले होने चाहिए, मुल्क में कोई मुश्किल आती है उसको भी जो है संभालना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको 25 रुपए आपने माइंड नहीं किया? नहीं नहीं। चले ठीक है, सही है, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो मुतमईन है। ज़रा दूसरे लोगों से भी बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि 25 रुपए का इजाफा हो गया पेट्रोल में, ज़रा थोड़ा सा मतलब आपके लिए काबिले बर्दाश्त है या नहीं? काबिले बर्दाश्त कैसे होगा, कल पेट्रोल भरा था 75 रुपए था, अचानक कल अगले दिन वो बस आओगे तो डायरेक्ट 25 में भरेगा तो आवाम के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ अरसे पहले वो जैसे कहते हैं ना कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पिछले कुछ दिनों में जो था वो हमने देखा कि पेट्रोल अपनी कम तरीन प्राइस में जो था उसको कहा गया, लेकिन उस वक्त आपको पेट्रोल मिल रहा था? हाँ बिल्कुल मिल रहा था, सही चल रहा था, बस आवाम भी इसमें थोड़ा खुश था, लेकिन आवाम को पता नहीं था कि जिससे आप बताया अपनी चार दिन की चांदनी, हमें तो शायद आधा दिन का भी नहीं लगा, अगले दिन रहता है। बड़ी जल्दी गुजर गया वो, जब हमने वो खुशी का एक वो लम्हा देखा था, लेकिन वो भी आप तो कह रहे हैं मिल रहा है पेट्रोल, लेकिन बहुत से लोगों को ये कहना था कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन पेट्रोल मिल रहा था, हम यही से बताते हैं। ठीक है, सही है, चले वो मखसूस वो पेट्रोल पम्प थे जिसमें मिल रहा था। अभी आप मुझे बताएं कि अगर ये प्राइस 25 रुपये आप कह रहे हैं कि भाई ये अब वाकई में झटका लगा है आम आवाम को, अभी मेरी एक भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि आई डोंट माइंड, क्योंकि 25 रुपए जहाँ पे हम इतने पैसे देते हैं 25 रुपए की क्या आजकल जो है वो औकात है, तो आपको लगता है कि इनका ये जो था वो परसेप्शन इनका सही है? उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होगा वो भी आज के टाइम में। बहुत शुक्रिया बात करने का। पच्चीस रुपए का इजाफा काबिले कबूल है आपके लिए पेट्रोल में जो इजाफा? नो मैडम। नहीं? नो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये जो पिछले दिनों में कीमतें कह रहे थे कि बड़ी कम हो गई है पेट्रोल की, उस वक्त आपको अवेलेबल था यहाँ पे पेट्रोल? उस टाइम था, मिल रहा था इस पंप पे, मिल रहा था कुछ पंप से, पीएसओ के पंप्स पे मिल रहा था, लोकल पंप्स पे अवेलेबल नहीं था। ये अगर मजीद इजाफा इसमें किया गया
और ये मत भूलिएगा कि हम ये इजाफा उस वक्त झेल रहे हैं जिस वक्त के इलेक्ट्रिक की तरफ से डबल बिजली के बिल आ रहे हैं, ठीक है, दोहरे तेहरे आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये वाला इजाफा आपके लिए होगा तो आपकी महदूद आमदनी में आपको आसानी होगी, क्योंकि ये रोजाना का आना जाना आप सोच नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। उस टाइम जब 25 रुपए कम किया था तब था आसानी थी, अब मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया। ₹25 एकदम एक झटके से पेट्रोल की कीमत में इजाफा आपके लिए काबिल कबूल है आम सारिफ की हैसियत से, चूंकि आपका रोजाना का आना जाना इन बाइक पे? सच बात तो ये है कि इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ख़ासकर ऐसे लोग जो लॉकडाउन के सिलसिले में बेरोज़गार हो गए हैं या उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें आने वाले दिनों में कोई भी बहाना बनाया जाता है या फिर कोई ऐसा उज़र पेश किया जाता है कि इसमें मज़ीद इजाफा हो, आप इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे या फिर एहतजाज करेंगे आम आवाम? मज़ीद इजाफा तो मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इजाफा है और यकीनन हम कुछ ना कुछ। अच्छा, दो किस्म की राय आ रही है कि जब ये आया तो शायद लोग फ्रस्ट्रेशन में थे या गुस्सा था या उनका, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब तो ये दावा किया करते थे कि मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं, और पेट्रोलियम माफिया के आगे जो है ऑयल माफिया के आगे उन्होंने घुटने टेक दिया और उनको मतलब मनमानी अपनी करने दी, तो आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब जो है वो कहीं मजबूर हैं या फिर उन्होंने मतलब वाकई में मनमानी करनी थी माफिया? 100% उनसे नाउम्मीद नहीं हुए हम, मैं भी पॉसिबल है कोई ऐसी बात हो अभी कि जो खामोश हुए, लेकिन कुछ अर्से बाद उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि वो इसको कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। बेशक अल्लाह ताला की इजाज़त से उम्मीद है। तो जनाब ये है हाल। अच्छा देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि 25 रुपए का इजाफा जो है वो मतलब आवाम है इतने ढाब में बिल बर्दाश्त कर रही है, हजारों के इतनी महंगाई बर्दाश्त कर रही है, तो 25 रुपए का क्या होगा? तो भाई 25 रुपए ये सोच लीजिएगा कि आपके वो 25 रुपए जो इजाफा हुआ है वो आपके आने जाने वो लोग जो रोजाना अपने घरों से आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनकी सवारी है मोटर बाइक है या जो छोटी गाड़ी है या फिर जो भी आपके पास सवारी है, मैं इसमें डबल केबिन गाड़ियों को तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं रही, जाहिर है उनके मामला दूसरे, मैं बात कर रही हूँ आम आवाम की, जिसके पास ये वाली मोटरसाइकिल है जिसका आना जाना इसी मोटर बाइक के ऊपर होता है। आप ज़रा कभी पूछिए ना उनसे कि 25 रुपए का 10 रुपए का इजाफा होता है ना तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और एक साथ 25 रुपए का इजाफा आवाम कैसे मुझे बताए मैनेज करेगी? रोज़ाना जहाँ पर आपका फ़र्ज करें कि आपका 2 लीटर पेट्रोल जो है वो लग रहा है, आप खुद सोचें कि एक बंदे के ऊपर इस महदूद आमदनी में जब इन दिनों में इस बजट में इस पूरे सिनेरियो में ख़ासतौर पे 2020 की अगर हम बात करें, 1 टका किसी की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ है, ऐसे में आप 25 रुपए का इजाफा करेंगे और आप सोच रहे हैं कि आवाम जो है इसे कबूल कर लेंगे, खाम ख्याल। अस्सलाम वालेकुम सर, 25 रुपए का इजाफा, 25 रुपीज का इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में, कुछ मतलब जरा थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा या आसान है? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है, ये तो गरीब आदमी के लिए तो अजाब आ गया है, जब से ये बैठा है जब से 5 रुपए बढ़ाते हैं और 10 रुपए कम करते हैं, इससे तो ये हुकूमत चलने का नहीं है मकाम आपको। अच्छा ये बताइए कि आपने ये वाली बात की कि हुकूमत चलने वाली नहीं है, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब वज़ीर आज़म साहब ने घुटने टेक दिए हैं और उन्होंने मनमाना इजाफा करने दिया है पेट्रोल माफिया को, आपको लगता है ऐसी बात? हाँ बिल्कुल ठीक है, वज़ीर आज़म साहब सोचने का मकाम है आपके लिए, जल्द अज जल्द कोशिश कीजिए, कोई सेटिंग ऐसी बनाइए कुछ इस तरह की कोई जो है ना वो सूरत हाल नज़र आ रही है हम लोगों को कि आपका इमेज भी जो है वो खासा ख़राब हो रहा है इस चीज़ से, और वो इस तरीके से ख़राब हो रहा है कि आम आवाम आपकी उस क्रेडिबिलिटी को जो आपकी शख्सियत का खासा है जिसकी वजह से आपको वोट मिला कि आप जो हैं वो अपने मौकफ पर डट जाते हैं, वो यू टर्न देने वाली कहानी फिर किसी दिन सही, लेकिन वो जो उसका रिकॉर्ड है हम उसको नहीं छेड़ रहे भी, लेकिन कम से कम आपकी एक शख्सियत का एक बहुत अहम पहलू वो ये है कि आपको कहा जाता है कि आपकी डिक्शनरी में जो घुटने टेकने वाला लफ्ज़ है ना वो नहीं है। और माफिया के सामने आपने कहा है कि मैं इनको गिरेबानों से पकड़ूंगा, आपको अंदाज़ा है कि इस 25 रुपए की इजाफे की इस खबर के साथ आपके ऊपर इतना बड़ा डंट आ रहा है,
जो खुद हमें सुन के अफसोस हो रहा है, क्योंकि हम पर्सनली अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मीडिया से वाबस्ता है, अच्छे तरीके से जानते हैं कि यस, आप कुछ मामलात में आपका मौकफ जो होता है वो बड़ा क्लियर होता है और बड़ा आप जो है उसके ऊपर स्टैंड लेते हैं। और उनमें से एक पॉइंट आपका ये है कि आप कहते हैं कि भाई आप जैसे कि बहुत से ऐसे मामलात में हमने देखा है कि लोगों का ये कहना था कि देखो मुल्की हालात, हो सकता है कि इनको पहली मरतबा चूँकि हुकूमत मिली है उस तरह से सही तरीके से जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपके बारे में जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हम भी जानते हैं कि आपके बारे में ये कहना था कि अगर आपने करप्शन या फिर आपने किसी माफिया को जो है अगर पकड़ लिया तो फिर आप उसे छोड़ते नहीं है, ये आपका खुद का भी दावा है और आपके जो अजीज हैं, आपके जो जानने वाले हैं, जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो आपका खिलाड़ी हो या आपके साथ काम करने वाले लोग हों या फिर आम आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो इस बात पे बिलीव करती है, तो इस बिलीव को रहने दीजिएगा खुदा के लिए। ये 25 रुपए का कहीं ऐसा ना हो कि आपको इजाफा जो है आवाम को तो भारी पड़ रहा है, आपको भी भारी पड़ जाए। तो बहरहाल अभी हम लोग जो हैं वो आम आवाम से जो बात कर रहे हैं उसमें अभी तक सिर्फ एक शख्स मुझे ऐसा मिला है कि जिसने ये कहा है कि ठीक है जहाँ पे इतने इजाफे हो रहे हैं वो 25 रुपए का इजाफा भी सही, लेकिन जो एक आम आवाम है जिन्होंने रोजाना की बुनियाद पर एक राइडर जो होता है ना, एक राइडर जो होता है, जो राइडर या फिर कोई मेडिकल रैप है या फिर कोई उसका, यार आपको अंदाजा है कि उनके पूरे शहर के अंदर कितने चक्कर लगते हैं इस बाइक के ऊपर। अब उन लोगों का आप सोचिए कि जिनका ऑफिस आना जाना अब एक दिन के अंदर पता नहीं कितने चक्कर जो हैं वो आपके मोटर बाइक पे लगते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि उनके ऊपर ये 25 रुपए किस कदर गिरा गुजर रहे हैं। अब क्या किया जाए, क्या इसका हल है, किस तरीके से आने वाले दिनों में, चलो अभी तो फिलहाल जो है वो ये सबर कर लें कुछ अरसों तक, लेकिन क्या ये वापस 25 रुपए जो है इसमें कमी होगी, क्या कोई ऐसी श्योरिटी आप देंगे, क्या आप आवाम को कोई तसल्ली देंगे, क्योंकि हमें तो अभी तक जो कुछ सुनाई दे रहा है, बात जो सुनाई दे रही है, तो इसमें तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, डिपेंड करता है ऑयल मार्केट में जो इसकी कीमत है, कि हो सकता है कि इसमें शायद इजाफा करना पड़ सकता है हम लोगों को मजीद, हमें कुछ इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं। अब उसकी तस्दीक या तर्दी वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आवाम को कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कम से कम आप ये ज़रूर उनसे कमेंट कर लें कि अगर किसी किस्म का जो है वो पॉसिबिलिटी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको वापस जो है या फिर इसमें कुछ कमी हम लोग जो है वो कर सकें। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर जाएंगे आवाम के पास, जरा उनके जख्म को जरा एक दफ़ा फिर से जो है वो हम देखेंगे कि कितने अभी तक हरे हैं इस 25 रुपए के पेट्रोल में इजाफे के बाद। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी मैंने अपना ये कैमरा और माइक निकाला ही था और मेरी लोगों वाली गाड़ी खड़ी हुई लोगों ने देखी थी, यकीन करें कि इनको कुछ पता नहीं था कि मैं किस मसले को लेकर, जो क्योंकि मैं रोज़ाना मसले कोई डिस्कस कर रही होती हूँ, रोज़ाना एक नया मसला होता है, लेकिन यकीन करें कि मुझे हैरानगी तब हुई कि जब अभी मैंने सिर्फ माइक और मेरा कैमरा निकला है और ये लोगों वाली गाड़ी उन्होंने K21 की देखी है तो लोग मेरे पास खुद आए। हाइमा बाजी, आपने देखा 25 रुपए का इजाफा जो कर दिया है पेट्रोल का, कोई बात तो करें इसके ऊपर। मैंने फिर उनको बताया कि मैं इसी के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ, तो अभी ज़रा हम बात कर लेते हैं अपने उन तमाम, ये जो बेचारे रिक्शे वाले हैं ना ये तो रुल गए, जो मोटर बाइक वाला था वो रुल गया, सिर्फ जो है ना अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो शायद वो है कि जिनकी डबल केबन गाड़ियाँ हैं उनका जो है वो, उनका तो खैर कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता यहाँ पे। भाई मुझे ये बताएं 25 रुपए का इजाफा कर दिया पेट्रोल की कीमत में और बाकी भी जो थी वो कीमतों में इजाफा कर दी और बढ़ाने हैं, अभी सब्र तो करो, हमारा जो है ना माशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना बहुत ऊपर जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि भाड़े के रिक्शे हैं, अब वो कहने का मतलब ये है कि बंदा क्या करेगा, बच्चे पालेगा, मकान किराए के, फैमिली अखराजात, मसले मसाइल, आए दिन लॉकडाउन, अभी जो है ना 25 रुपये बढ़ा दिए। लॉकडाउन के बाद ये वाला जो खान साहब का मजाक है वो कैसा लगा आपको? अब मैं ये नाम तो नहीं ले सकता हूँ, अब जिन जिन के पास कुर्सी हैं मज़े ले रहे हैं बैठे हुए, तो बाकी उनसे पूछा जाएगा, यहाँ नहीं तो ऊपर पूछा जाएगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि मुझे अभी ये वाले भाई बता रहे थे
इनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था साइमा बाजी 500 रुपए हम लोगों को जो है ना वो दिहाड़ी होती है हम लोगों की, और उसमें भी ये पेट्रोल की कीमत और LPG और वगैरह सारे ये जो थे इन्होंने जब भर जाते हैं तो बाकी बिल जो होते हैं वो इतने ज़्यादा आए होते हैं। हम आप बता दें कि हम लोग जो हैं वो कोई फतवा आ सकता है कि खुदकुशी हलाल जो है वो करार दी जाए ऐसे लोगों का? आपको लगता है कि वाकई में अब आपके लिए ये रिक्शा चलाना, अगर सर्दियों में बात करते हैं तो सर्दियों में CNG आप लोगों को नहीं मिल रही होती? अभी बात ये है कि मैम अभी तो पेट्रोल जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 170-175 तक टारगेट है, तो कहने का मतलब ये है कि जो है ना अभी इंसान क्या करे। अब बात ये है कि जो है ना वो CNG नहीं है अभी, अब आए दिन थोड़ा CNG का भी मसला पड़ेगा क्योंकि सर्दी में आते के साथ ही CNG गायब, गर्मी आते के साथ ही पेट्रोल जो है वो चढ़ाके निकाल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा सा और रेट बढ़ाएं पेट्रोल की, हमारी कोशिश ये। तो फिर आपकी कोशिश क्यों है, आप मुझे इसकी लॉजिक दे दीजिए। करते हैं ना कम तो हो नहीं रहे, रेट बढ़ रहे, हम बोलेंगे और बढ़ाओ, अब यही बोलेंगे ना, वो क्या बोल सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आपका खुदा ना खासा घर भी बिक जाए, सब बिक जाए, पेट्रोल बस महंगा होता रहे, मतलब कुछ एक खास तकलीफ जब आप एक जगह को दिए जाए तो फिर आपको वो तकलीफ जो होती है ना वो आपका एक नफ्सियाती ऐसा एक पहलू होता है कि कभी कभी ऐसा होता है आपको वो तकलीफ जो होती है ना उसमें आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। पहले आपको बड़ा दर्द हो रहा होता है, फिर आप उसको जो है आपको वो तकलीफ जो होती है वो मतलब आप आदी हो जाते हैं उस तकलीफ के। तो ये बेचारे वो वाले मेरे ख्याल केस है कि जिनको आदत हो गई, वो कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं कि अब और बढ़े, एक दफ़ा बढ़ के पता चल रहा है हम लोगों को कि भाई इस कितना का बढ़ा सकते हैं, कितना का बढ़ा सकते हैं। ये बताएं 25 रुपए पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ आपके लिए आसान है या नहीं मेरे भाई? आसान क्या आसान है, ये आसान है, बंदा कहाँ से गुजारा करेगा? है 400 में भाड़ा दो, घर का किराया दो, किराया दो, घर का भाड़ा दो, बच्चों को कहाँ से पालेगा? तीन महीने में किराया उसने 5-5 रुपए 3 महीने में किराया 25 रुपए एकदम बढ़ा दिया उसने, यानी कि 5 रुपए जो है वो कम करके, मतलब वो कहते हैं ना कि चिड़िया दिखाकर जो है वो शेर जो है वो भेज देना। जी जी, 2 महीने के बाद 5 रुपए गिराता है और एकदम 25 रुपए बढ़ा देता है। हुआ था पेट्रोल के पैसे कम हुए थे, जो कहाँ मिल रहा था पेट्रोल, एक हफ्ते पेट्रोल नहीं मिला, 8-9 दिन पेट्रोल बढ़ गया, मिल रहा है पेट्रोल, अब हर जगह मिल रहा है, महंगा हो गया ना इसलिए मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। मुझे बताएं कि मेरे मुंह में खाक, फर्ज करें कि खान साहब ने कहा मुश्किल वक्त है, मजबूरी है, ऑयल प्राइस की जो है वो मार्केट में आलमी मार्केट में इतना है तो हमें जो है वो मजीद अगर बढ़ाना पड़ा तो ये रिक्शा ये मोटर बाइक चल पाएगी आप लोगों की? नहीं चलेगी, हमारी नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल वक्त नहीं चलेगी। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के फौरन बाद जो ये वाला आप पे ये जो पेट्रोल पंप गिरा है, तो आपको नहीं लगता कि एक के बाद एक जो है वो आप लोगों के असाब का इम्तहान लिया जा रहा है, कुछ ऐसे जो है वो आप लोगों को जो है वो हालात से दो चार किया जा रहा है कि आपके जैसे असाब का आवाम का इम्तहान ले रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा? ये आवाम का इम्तहान ले रहे हैं हम लोग, गरीबों का ये इम्तहान ले रहा है इमरान खान। अपने वजीर आजम का आपके साथ ये मजाक? बस उसकी मर्जी है जैसा गरीबों के साथ मजाक करे। आवाम हंसते हंसते जो है पहले जो थे वो इस तरह की बातें कर लिया करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो कितने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि बात दफा यकीन करें कि मेरे एडिटर को आपका खासा टफ टाइम जो है वो दे देते हैं। हम तो कुछ चीज़ें आपको दिखा भी नहीं रहे, अगर हुकूमत ये समझ रही है कि हम बजट के ऊपर या अब कोई भी मामला होता है हम लोग आपके खिलाफ कोई प्रोग्राम करते हैं तो बाखुदा हम आपके खिलाफ प्रोग्राम नहीं करते, हम सिर्फ आवाम की राय आप तक पहुंचाते हैं। ये पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए का इजाफा और इससे पहले जो था वो जिस तरीके से अभी एक भाई ने कहा कि 5 रुपए पहले जो है वो कम करते हैं और फिर 25 रुपए बढ़ा देते हैं, मतलब आप एक मिसाल होती है कि चिड़ी दिखाकर शेर भेज देना, यानी कि आप जब कम कर रहे हैं तो इतना 5 रुपए जैसे हातम ताई की खबर को लात मारते हुए आप कम कर रहे हैं, लेकिन जब आप बढ़ा रहे हैं तो यकमुश्त आप 25 रुपए बढ़ा रहे हैं, और 25 रुपए अगर आप समझ रहे हैं कि वो आम आदमी जो है वो आराम से जो है उसके जो उसने अपना रखा होता है बजट रखा होता है अपनी मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाने का, इवन कि अगर किसी के पास मेहरान है, FX है या फिर कोई छोटी गाड़ी है जिसमें उसने पेट्रोल पे उसको करवाया हुआ है, CNG आपको पता है कि इस दफ़ा सर्दियों में CNG ने किस तरीके से परेशान किया, कहीं आपको CNG नहीं मिल रही थी। CNG हम भूल गए थे सर्दियों में कि किस बला का नाम होता है, गायब थी। अब
गर्मी आते के साथ ही सीएनजी अक्सर दस्तियाब है। बहुत से लोगों ने उस सीएनजी की कमी की वजह से जो था वो सर्दियों में अपने सिलेंडर जो थे वो सीएनजी के निकाल दिए थे। मैं बाखुदा मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने सीएनजी के सिलेंडर जो थे उनको निकाल दिया था। अब वो आ गए पेट्रोल पर कि चलो पेट्रोल तो कम से कम मिल रहा है ना, सीएनजी का तो पता ही नहीं है लेकिन पेट्रोल तो कम से कम मिल रहा है। आप यकीन करें कि वो आज पछता रहे हैं। मतलब हम करें तो करें क्या, हम सीएनजी पे गाड़ी को रखें या फिर पेट्रोल पे रखें। सीएनजी पे रखते हैं तो सर्दियों का सीजन जो है वो आम आवाम जो है वो सीएनजी हासिल नहीं कर सकती, घर की गाड़ियां बंद और फिर आप जो है वो बिल्कुल अपाहिज होकर बैठ जाते हैं घर के अंदर। और अगर आप पेट्रोल पे करवाते हैं तो आप समझ लें कि आपको जो है एक कमेटी अपने घर की जो है वो सिर्फ पेट्रोल का अपना खर्चा पूरा करने के लिए डालनी होगी। तो कोई इसके कमी के भी इम्कान हैं या नहीं है? नहीं है तो क्या इसके लिए एफर्ट होगी या नहीं होगी? आप एक दफ़ा आवाम को जो है वो थोड़ा सा एतमाद में लें। बहरहाल कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। बाबा 25 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कबूल है आपको या नहीं? हमको हम खुद ज्यादा आदमी है, कोई इलम नहीं है यार, हम खुद ज्यादा। अच्छा आपके पास पेट्रोल नहीं डाला है, न गाड़ी है न ट्रक है, हमारा कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी है। शाम को आप बच्चों का वो सब 100-200 रुपए कमाता है। आप काम क्या करते हो? हाँ काम क्या करते हो? ओ भी चलाता है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके घर में ना मोटर बाइक है ना आपका कुछ भी नहीं है? बात बताओ, आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना और अगर किसी के पास मोटर बाइक है या कोई छोटी मोटी गाड़ी है, आप यकीन करें आप सब बराबर हो, क्योंकि जितनी कीमत बढ़ चुकी है पेट्रोल की होता है बड़ी खाम खा सब होता है सब कुछ। ये बताएं कि पेट्रोल आपके पास मोटरसाइकिल है रिक्शा है? अच्छा तो ये मुझे बताओ भाई कि रिक्शा चलाना अब इस 25 रुपए के अजाब बना खड़ा रश का, अभी 100 रुपए लीटर अभी क्या है, गरीब आदमी 102 रुपए लीटर दे रहे, सारा दिन में 300-400 रुपए दिहाड़ी नहीं पड़ रही है सारा दिन बच्चों के लिए। यानी के 25 रुपए का जो इजाफा हुआ है उसने आपको जो है वो बेरोजगार एक तरीके से दोबारा से कर दिया। दोबारा बेरोजगारी आ गई उसी जगह पे जहाँ पे आदमी पहले था ना, उसी जगह पहले पेट्रोल कम था कुछ रोजगार बढ़ रहा था, अभी तो गले में फिट हो रहा रचका भी स्पेयर पार्ट भी ऊपर हो गया वो भी ऊपर हो गया, अभी कहाँ जाए। अच्छा सर्दियों में मसला ये होता है कि सर्दियाँ जब आती है तो सीएनजी गायब हो जाती है, जो सीएनजी के किट लगी होती है वो बेकार गायब हो जाएगी, और अगर गर्मी आती है तो पेट्रोल गायब। अगर गर्मी आती है पेट्रोल तो गायब इसलिए हो गया, तो पहले सस्ता था दे रहे नहीं थे, महंगा हो गया अभी हर पंप वाला दे रहा है, पहले कहीं भी मिल रहा नहीं था पेट्रोल, जगह जगह हम घूम रहे थे बोल रहे ही नहीं है, अभी जैसे महंगा हो गया अभी हर जगह पे मिल रहा पेट्रोल। बेहतर हो हालात, अल्लाह करें कि कम हो जाए इसकी कीमतें। तो जनाब ऐसी बात नहीं है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से खास व आम सबको फर्क पड़ता है, सवाए एक खास किस्म की एलीट क्लास को, उसको फर्क नहीं पड़ता। बाकी आम आवाम मैं आपको अभी लेके गई थी, वो मुतवस्सत तबके के लोग थे जो भी मैंने प्रोग्राम जहाँ से शुरू किया था, अब जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ ये वो है जो बिल्कुल गुर्बत के मारे हुए, और वो लोग जिनका किसी का रिक्शा है किसी का जो है वो मोटर बाइक के ऊपर वो कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं। मैं चुन के ऐसी जगह पर आई थी जहाँ पे इन लोगों से बात। अब इनका जो है ना मामला वो ये है कि ये कोई तफरी करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे या रिक्शे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनकी रोज़ी है। जब रोज़ी होती है तो फिर आप एक दिन के अंदर आपके कितने चक्कर लगते हैं, आपको कितना पेट्रोल अपना फूंकना पड़ता है, इसका अंदाज़ा बाज़ दफ़ा इनको भी नहीं होता। अब इन्होंने क्या किया है कि अपना जो है वो एक हर जो एक बेचारा गरीब आदमी है या मुतवस्सित तबके का सफ़ेद पोश शख्स है वो अपना एक बजट बनाता है कि भाई मुझे इतना पेट्रोल जो है अगर इतना हुआ है तो मुझे इतना जो है वो सर्व करना है। अब एक आदमी जिसकी रोज़ी इससे वाबस्ता हो वो किस तरीके से, अब फिर उसके बाद क्या होगा कि आप एक दफ़ा घूम फिर के टोपी जो है ना वो आवाम के सर पे पहनाई जाएगी और जो सबसे बड़ी कुल्हाड़ी चलेगी वो आवाम के ही पाँव पे चलेगी, पता है किस तरीके से। ये बेचारे अब जाहिर है कि अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे ये पहला काम कि आप किरायों में इजाफा जो है वो आप देखेंगे, रिक्शों में जो खवातीन जाती हैं मर्द हजार जाते हैं जो भी लोग जा रहे होते हैं वो ऑब्जर्व करेंगे कि इन दिनों में रिक्शे के किराए होंगे महंगे। यानी कि आम आवाम जाहिर है कि कोई एलीट क्लास की जो खातून या कोई लोग हैं वो तो जाहिर है रिक्शे में सफ़र नहीं करेंगे ना, ये बेचारे गरीबियों की सवारी है। अब इसकी कीमत पे होगा इजाफा, इसके किराए में होगा इजाफा और फिर एक मरतबा तमाम गरीब मिलके जो है ना वो मातम करेंगे।
तो ये 25 रुपए वाकई में बहुत भारी पड़ रहे हैं आम आवाम को। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ मेरे साथ। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, यकीन करें कि आवाम के साथ जब आप बात करने हुए किसी मसले के ऊपर जाएं ना, यकीन करें टाइम का तो पता ही नहीं चलता। आखिरी हिस्सा आ गया प्रोग्राम का जनाब, और मैं फिर अपने इन बेचारे वो भाइयों का जिनका सही मानों में जिनको डस पड़ रही है, रोजगार जिनका जो है वो ख़राब हो रहा है इस 25 रुपए के इजाफे के साथ। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 25 रुपए का इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में, आप लोगों के लिए आसान है इसको कैरी करना? नहीं नहीं बेटा, ये आसान कहाँ से होगा, ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया बेटा, क्या किया जाए। अच्छा पहले तो देखे ना कि इतने अरसे तक लॉकडाउन चला आप लोगों के लिए वैसे ही सब कुछ बंद, फिर उसके बाद जब लॉकडाउन अल्लाह ना करके खुला किसी हद तक आपका रोजगार दोबारा से बहाल हुआ तो ये वाला पेट्रोल जो बिगड़ा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे जो है वो चलाएंगे इस बजट में जब आपके पास महदूद आमदनी भी नहीं रही। वो बिजली के बिल इतने भेज रहे हैं कि हम खाने पीने से भी मोहताज हो रहे हैं, अब तो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और ये इस पर कोई गौर नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा बेटा, गौर कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और आपके लिए मैं समझती हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि देखें अगर किसी का शौक हो ना मोटर बाइक चलाने का, चलो उसको तो समझ में आता है कि चलाई तो चलाई, महंगा हो गया तो चलो घर में रख दी, लेकिन आपका रोजगार इससे वाबस्ता है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप किरायों में इजाफा करते हैं, जाहिर है कि आपको मैनेज करना होगा, तो जाहिर बात है ये सब कुछ करना पड़ेगा ना, फिर जाहिर बात है ना बेटा, फिर तो करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा, हर इंसान परेशान है तो जाहिर बात है ये सब कुछ करना पड़ेगा। बाकी ये सारी जो है ये सब आपस में मिलके कर रहे हैं ये लोग, अब ये ना समझना कि ये सिर्फ अकेले कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब मिलके जो है वो आवाम जो है बस उसके साथ खेल रही है? सब मिलकर कर रहे हैं बेटा ये। ठीक है जनाब, तो सब मिलके जो है वो आम आवाम के साथ खेल रहे हैं, आवाम को ये लगता है, यानी कि जो इस वक्त आप अगर एक आदमी का जो महाना बजट अगर आप देख लें, बार बार आपको याद दहानी करवा रहे हैं, हालांकि बहुत से जो इस वक्त आम लोग जो बेचारे 9 to 5 की जॉब करने वाले या फिर कोई छोटा मोटा काम करने वाले जो लोग हैं जो मेरा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको तो याद दहानी कराने की ज़रूरत भी नहीं है इस वजह से, क्योंकि वो तो खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस साल किसी भी किस्म का आपकी सैलरी में इजाफा नहीं हुआ आपके रोज़गार में। अगर आपका रोज़गार इस वक्त चल रहा है ना तो आप शुक्र अदा करें, ऐसे में 25 रुपये जो पेट्रोल का एक इजाफा और फिर उसके बाद जो है वो धड़ाधड़ जो जिस तरीके से सुई गैस का बिल, बिजली का बिल, किरायों में जो है वो जाहिर है कि हर साल इजाफा होता है, तो एक आम आदमी की तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ एक आम आदमी ही लगा सकता है। हुकूमत इस वक्त माजरत के साथ आवाम की परेशानियों से कतई तौर पर नाबल है, कुछ पता नहीं है हुकूमत को, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुकूमत की नीयत पे किसी किस्म का कोई शक है, मतलब यानी कि हम किसी किस्म को कोई डाउट नहीं रख रहे हैं, बहुत अच्छी नीयत होगी आपकी, लेकिन आपको माजरत के साथ मामला संभालने आपको नहीं आ रहे, इसका जो एक मिल रहा है जो एक आवाम को इस वक्त जो हर थोड़े दिन के बाद एक किसी ना किसी हवाले से एक झटका मिलता है उनको महंगाई का, एक तो वैसे ही जोर इतना ज़्यादा है, और ऐसे में जिस तरीके से आवाम जो है वो बिलबिला रही है वो हम आपको सिर्फ तकलीफ अगर दिखाएं तो माजरत के साथ इसमें अगर थोड़ा सा आवाम अपने जज्बात का इजहार करते हुए ज़रा थोड़ी सी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करें तो हुजूर वाला बर्दाश्त कीजिएगा, आवाम है, आवाम को आपको बर्दाश्त करना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आपकी दुआ। मेरे भाई मुझे ये बताएं कि रिक्शा आप लेके निकलते हो, ज़ाहिर रोज़गार है आपका, चिंची आपकी, अब आप मुझे ये बताओ कि 25 रुपये का जो पेट्रोल में इजाफा किया है हुकूमत ने, तो आसान है अब इस 25 रुपए के साथ रोजाना जो है अपने रिश्ते को चलाना? नहीं नहीं आता, नहीं आता उर्दू नहीं आता, तो अच्छा आप भी यही काम करते हो? नहीं क्या काम करते? मैं रिक्शा है मेरा। अच्छा आपका भी रिक्शा ही है ना, तो आप मुझे बताओ कि आपके लिए आसान है 25 रुपए का इजाफा पेट्रोल में जो हुआ है इसके साथ अपने रिक्शे को चलाना, जो सवारी उठाना या कहीं आप पिक एंड ड्रॉप कर रहे हो, तो आसान है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो किस तरीके से करोगे, जाहिर आपका तो काम ही यही है, रोजगार घूम रहे हैं,
पेट्रोल डला के रोज ही नहीं है। अच्छा सुना है कि जिस वक्त ये पेट्रोल जो था सस्ता हुआ था कुछ अर्से पहले, उस वक्त पेट्रोल मिल नहीं रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा। बात दुरुस्त है? महंगा हो गया तो मिल रहा है। सिर्फ एक चंद एक पेट्रोल पंप थे जहाँ पर आपको मिल सकता था, वरना कहीं और नहीं मिल रहा था। बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में अगर कुछ और इजाफा पेट्रोल की कीमत में हो गया तो रिक्शा चलाओगे या घर में खड़ा करोगे? घर पे खड़ा करेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते ना। आपको याद है ना कि अभी आने वाले दिनों में बस कुछ दिन के बाद बकरा ईद आ रही है, जाहिर है कि ईद आती है, बच्चों की हजार चीजें होती हैं, जानवर खरीदना होता है या कम से कम कुर्बानी में हिस्सा डालना होता है। अब ये जो इस वक्त पेट्रोल बिलों में इजाफा, किरायों में इजाफा, महंगाई, इसमें इस दफा कुर्बानी का कोई चांस नजर आ रहा है या नहीं? नहीं लग रहा। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने का भाई। तो जनाब ये रास्ते में जो आपको बहुत सारे रिक्शे नजर आ रहे हैं, मोटर बाइक्स आपको नजर आ रही हैं, ये वो हैं खासतौर पर ये रिक्शे वाले। इन्होंने कहा है मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड, इन्होंने कहा है कि साइमा बाजी अब अगर एक पैसा भी इन्होंने बढ़ा दिया ना, इसे 25 रुपए को इन्होंने कम नहीं किया, और उस पर अगर जिस तरीके से हमें सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में शायद इसमें मजीद इजाफा अगर फर्ज करें कि हो गया, हम कसम आपको खा के कह रहे हैं कि हम अपने रिक्शे जो है ना वो घरों में रखेंगे, और उसके बाद अगर हमारे घरों से खुदा ना खास्ता खुशी की किसी की खबर आई और खबर देने वाले तो आप ही लोग होते हैं ना, तो बस ये याद रखिएगा कि हमने आपको बता दिया था ऐसे मौके के ऊपर कि आने वाले दिनों में अगर मजीद किया हम ये रिक्शे खड़े करेंगे घरों में, रोजगार नहीं रहेगा, भूख से बच्चों को कोई मरता नहीं देखेगा, इसलिए हम करेंगे खुदकुशी। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रोग्राम रजिस्टर्ड है, मैं आपको अभी बता रही हूँ ऑफ द रिकॉर्ड मेरी इन लोगों से बात हुई थी, तो ये शायद बात बोलना नहीं चाह रहे थे कैमरे के ऊपर, जाइए हम इन्हें मजबूर नहीं कर सकते थे, तो ऐसे में उन्होंने मुझसे, कुछ लोगों ने मुझसे ये रिक्शा जो चलाने वाले हैं और कुछ बाइक्स में जो पेट्रोल डलवाते हैं कुछ ऐसे सार्फिन, वो लोग बेचारे मेरे पास आए थे और अभी वक्फे में उन्होंने मुझसे ये कहा है। मैं इस वजह से आपको ये बात बता रही हूँ कि हम बाद में लकीर पीटने लग जाते हैं कि भाई काश के ऐसा होता, काश के ऐसा होता, तो भाई जब टाइम है तो उस वक्त क्यों नहीं आप सोचते। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। 25 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, अब आप मुझे ये बताओ कि ये ज़ाहिर आपका रोज़गार चिंची आपकी चलाने वाले हैं, आप रोज़ाना आप ज़ाहिर सारा दिन चलाते हैं, तो 25 रुपए के इजाफे के साथ मंजूर है आपको ये पेट्रोल में इजाफे की जो कीमत हुई है? ये कैसे मंजूर हो सकता है? कोई भी चीज़ 10 रुपए ही बढ़ जाए मंजूर नहीं होती, 25 रुपए बढ़ाए इन्होंने। आप खुद बताएं, एक चक्कर में गाड़ी पहले 200 रुपए का पेट्रोल खा रही थी, अब 300 से 350 रुपए का खाती है। गर्मी है, लॉकडाउन है, आवाम घरों से बाहर निकलती नहीं है, काम की ये सूरत हाल है, और ये 25 रुपए इन्होंने बढ़ाए। आप खुद बताएंगे, इंसाफ वाली बात है, 5-10 रुपए इंसान समझता है बढ़ गए, चलो 25 रुपए में बढ़ाएं, जुल्म किया आवाम के साथ भी। अभी आपसे पहले ना एक भाई मुझे कह रहे थे साइमा बाजी ये क्या इंसाफ हुआ कि जब कम करे तो सिर्फ 5 रुपए किए, बढ़ाए तो इकट्ठे जो थे वो 25 रुपए बढ़ा दिए, आपके ख्याल में ये उनका जवाब सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 5 बढ़ाते हो समझ आती है, 10 बढ़ाते हो समझ आती है, गिराते 5 हैं, बढ़ाते 50 हैं, 30 हैं, 25 हैं, इससे क्या फायदा है? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात। अभी आपसे पहले मुझे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जब कैमरा बंद था तो मेरे पास कुछ आप ही जैसे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा साइमा बाजी आपको ये आप गवाह रहिएगा, उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझे बोली, उन्होंने कहा गवाह रहिएगा कि अगर इन्होंने मजीद पैसे बढ़ाए और इस 25 रुपए को उन्होंने कम नहीं किया तो ये याद रखिएगा कि हम अपने रिक्शे घरों में खड़े करेंगे, क्योंकि हमारी अब बिसात नहीं होगी इतनी, और खुदा ना खास्ता अगर हमारे घरों में से कल जो खबरें देने वाले तो आप ही लोग हैं, किसी ने खुदकुशी की ना, तो याद रखिएगा कि इसका मुकदमा आप पे ये वाजिब है, आप गवाह हैं, हुकूमत के खिलाफ करवाइएगा। ये बातें आम है, ऐसा होता रहा, इससे पहले भी हो चुका है, आपने भी देखा होगा। ये कहने की बात है कि आप देखो इंसान मजबूर होकर क्या करेगा, आप बताएं चलें, ये जो हम गाड़ी चला रहे हैं ना, ये ना चलाने के बराबर, गाड़ी अपनी तो है नहीं, मालिक को भी देना और अखराजात आगे पीछे, तो ये 25 रुपये अगर कम थे तो कौन सी क्यामत आ रही थी, एकदम 25 तारीख कोई 25 रुपये बढ़ा दिए और बड़ी जल्दी में उन्होंने बढ़ाए, तो ये समझ ना आने वाली बात है ना, तो ये हमारे सरासर जुल्म किया है गवर्नमेंट, कोई भी बंदा बढ़ाने वाला है ना इसमें तो उसने जायज़ किया आवाम के साथ, भले मैं हूँ, भले मोटरसाइकिल वाला है, भले कोई भी आम बंदा, उसके साथ जुल्म किया है। अच्छा अभी मैंने सुना है कि जो किराए हैं आप लोग उसमें भी शायद इजाफा कर दें? अभी तक तो फिलहाल नहीं किया, अभी उल्टा यही होता है कि हमारे किसी की तरफ 40 बनते हैं तो वो हमें 30 दे के भगा देता है, आवाम पहले से ही रो रही है, यानी कि अभी वो क्या छीले, मेरे को बंदा छीले क्या समझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी क्या पता ऐसा हो कि किराया बढ़े, क्यों इसमें बिल्कुल हमें वारे में नहीं है। मतलब आपको ये 25 रुपए आपके लिए नाकाबले बर्दाश्त हैं? बिल्कुल नाकाबले, और नाकाबले कबूल हैं आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है।
बहुत शुक्रिया बात करने का। अभी कुछ और भी लोग जो हैं वो इस जगह जो हैं, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे मासूम लोग, वो ऐसे हैं, मैं आई होप कि मैं किसी का रोजगार छीन ना रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये रिक्शा आपका है, आपका है, बैठ जाओ। अब मैं आपको एक मिनट, भाई अंदर आइए भाई, मुझे ये बताओ, मैं सबसे पहले तो माजर खाऊंगी कि मैं आपकी जगह पे बैठ गई, लेकिन मेरे ज़रूरी था। मुझे ये बताएं, ये चिंची रिक्शा और ये जो रिक्शा होता है, इसके अंदर दिन में आप कितनी मरतबा पेट्रोल डलवाते हैं और कितना लीटर डलवाते हैं? 1100-1200 का डल जाता है दिन में। 1100-1200 का डलता है, अच्छा। और अभी ये जो 25 रुपये का इजाफा हुआ है, आज से तकरीबन एक महीने पहले आप कितने का डलवा रहे थे और अब आपको कितने का पड़ रहा है? पहले तो डलवा रहे थे 600-700 का डलता था, अभी 1100-1200 का डल रहा है, मतलब डबल हो गया ना, डबल हो गया ना। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर खुदा ना खास्ता अगर आने वाले दिनों में मजीद इजाफा अगर कर दिया जाता है पेट्रोल की कीमत में, ये रिक्शा चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या करूँ, भूख से मरेंगे घर बैठ के और क्या करेंगे, इमरान खान को दुआ करेंगे और क्या करेंगे। अब अगर मुझे ये बताएं कि इसमें अगर आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 25 रुपये में अगर कमी की जाए तो कितने कितने तकरीबन जो है इजाफा आपके लिए काबिल कबूल है कि चलो ठीक है सही है इतना इजाफा, तो कितने रुपए का 25 अगर कम करते हैं तो कितना तकरीबन है? 80 कर तो फिर समझ में आ रहा है, एकदम 25 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया, कहाँ समझ आएगा, गरीब बंदा कहाँ जाए, भाड़ा दे गाड़ी का, घर के लिए राशन ले कहाँ जाए। यानी अगर 5 रुपये 10 रुपये या फिर इतने ही अगर वो कर लेते तो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाता, लेकिन अभी 25 रुपये आपको, जितना मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को, आपको समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल 25 समझ में नहीं आ रहा, 10-15 होते फिर भी समझ आता है। अच्छा आपको याद दिला दूं कि आने वाले दिनों में तकरीबन कुछ ही दिन के बाद बकरा ईद है, ठीक है, बकरा ईद आती है, कोई त्यौहार आता है, जाहिर है कि उसमें आपको तैयारी करनी होती है, आपको पूरे साल आप थोड़े से पैसे बचा के रखते हो खासतौर पर बकरा ईद के लिए, तो आपको लगता है कि अभी ये जो डबल आपके जो है वो पेट्रोल का आपका जो है वो एक्सपेंस बढ़ गया है, उसमें आप कुर्बानी वगैरह या फिर कोई जो गाय में हिस्सा डालते हैं या फिर कोई आप इस तरह ईद की कोई तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, जैसे पेट्रोल ऐसे रहेगा तो कौन तैयारी करेगा, कोई भी नहीं कर सकता, ये तो पेट्रोल में पूरे रहेंगे, कौन करेगा तैयारी? तो जनाब इस वजह से मैं इस रिक्शे में बैठी थी, तकरीबन एक रिक्शे के अंदर कितना लीटर पेट्रोल जो है वो दिन में डलता है? तकरीबन डल जाता है 12 लीटर। 12 लीटर, अगर आप 10 लीटर या अच्छा ये याद रखिएगा कि ये सवारी चलती है पेट्रोल से और पेट्रोल के बगैर ये खड़ी हो जाती है, और यह याद रखिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता पेट्रोल की अवेलेबिलिटी या फिर इसके लिए कोई ऐसा मसला होता है तो सिर्फ ये रोजगार बंद नहीं होगा बल्कि पीछे बैठने वाले वो जो लोग जो अपनी दिहाड़ी पे जा रहे होते हैं, जो बेचारे जो है वो रोजाना की जो है वो ये सवारी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये भी जो है ना ये फिर आएंगे ऐसे हालात में कि इनको खुदा ना खास्ता अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ सकती हैं। एक तो पहले रोजगार खत्म और ऊपर से जो थोड़ा बहुत रोजगार अब शुरू हुआ था तो उसमें ऐसे हालात पैदा मत करें कि वो रोजगार फिर कोरोना की वजह से नहीं, वो फिर आपकी वजह से रोजगार जो है उसको फुल स्टॉप लग जाए। ये तमाम अवामिल आपके सामने लाने का मकसद ये है कि अवाम की आहोपका सुनकर, चलो हम मीडिया वालों पे तो एक इल्ज़ाम है कि हम लोग रेटिंग के चक्कर में जो है वो राय का पहाड़ बनाते हैं, लेकिन ये आम आवाम जिनके ऊपर गुजर रही है कम से कम उनकी बात तो सुन लें, कम से कम उनका वावेला तो कम से कम आपके कानों तक पहुँच जाए। आपके वज़रा बैठे होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कि ये मेरा काम नहीं है ये इनका काम है, उमर अय्यूब साहब बैठे होते हैं उनके ऊपर वो कह रहे होते हैं ये, यार हमें ये वाले गोरख धंधों में मत फंसाएं, सीरियसली हमें इस वाले गोरख धंधे में मत फंसाएं। आम आवाम में बस हो चुकी है इसकी, खुदा के लिए इस पर रहम खाएं। मैं आज इनके पास इस तरह से आई, मैंने कोशिश की कि मैं ज़रा जो इनका जो थोड़ा सा गुस्सा है उसको थोड़ा सा मैं कम कर सकूँ, थोड़ी सी लाइट मूड में हम बात कर सकें, लेकिन लाइट मूड में बात करने के बावजूद जिस वक्त मेरे कानों में ये वाली बात सुनने को मुझे मिली कि हम साहिबाबादी, याद रखिएगा आप गवाह रहिएगा कि अगर हमने खुदकुशियाँ की आने वाले दिनों में अगर हमें पूरा नहीं होता और हमारे ही रिक्शे हमें खड़े करने पड़े, तो ये याद रखिएगा साहिबाबाजी कि आप गवाह हैं, हम खुदकुशियाँ अगर हमारे घर से किसी किस्म की आपने रिपोर्ट की और आपको सबसे पहले आप ही को पता चलेगा तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अल्लाह करे खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक कभी कभी ऐसा हमें रिपोर्ट करना पड़े, लेकिन वाकई में इस वक्त जब कुछ सुझाई नहीं देता ना और सब जगह अंधेरा होता है और कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होता तो इंसान के दिमाग में इस किस्म के डिप्रेशन में ऐसे ख्यालात आते ही हैं। आवाम को जो अगर थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने जो है उसकी सांसें रखी हुई हैं तो खुदा के लिए उनको वो सांसें जीने दें। बार आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।